नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद एनडीए की सरकार बननी तय है। एक बार फिर प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी को ही मिलना है, लेकिन उनके नए मंत्रिमंडल में पुराने कुछ मंत्रियों की छुट्टी तय हो चुकी है। उनमें से तीन की छुट्टी तो लोकसभा चुनाव से पहले ही हो चुकी है, जबकि दो केंद्रीय मंत्रियों की छुट्टी चुनाव परिणामों के बाद तय हुई है। आइए जानते हैं कौन है वह पांच मंत्री जो नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। नंबर 1, अरुण जेटली। केंद्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली नई सरकार में मंत्री नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य कारणों से जूझने के बावजूद अरुण जेटली मोदी सरकार के अहम मंत्री रहे हैं, लेकिन अब संभावना है कि वे नई सरकार में मंत्री नहीं रहेंगे। इसी कारण अरुण जेटली ने इस बार चुनाव भी नहीं लड़ा था। हालांकि 2014 में भी उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और वित्त मंत्री बनाया था। नंबर 2, सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल से बाहर हो सकती हैं। स्वास्थ्य कारणों से सुषमा स्वराज ने पहले ही मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ऐसे में पूरी संभावना है कि वो नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल से बाहर ही रहे। नंबर 3, उमा भारती। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। भाजपा ने उमा भारती के इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया और उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। संभावना है उमा भारती संगठन के काम में अधिक दिलचस्पी लेंगी। हालांकि उमा भारती चुनावी राजनीति को अलविदा नहीं कह रही है। उमा भारती ने कहा है, अगर पार्टी चाहेगी तो वे 2024 में लोकसभा चुनाव अवश्य लड़ेंगी। नंबर 4, मनोज सिन्हा। केंद्र में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को बेहतर प्रदर्शन वाला मंत्री माना गया। 2019 में बन रही नई सरकार में उनकी प्रोन्नति की भी चर्चा रही है, लेकिन मनोज सिन्हा चुनाव हार गए हैं। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीट से चुनाव लड़े मनोज सिन्हा को बहुजन समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी ने हराया। ऐसे में मनोज सिन्हा का पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग मुश्किल है। नंबर 5, हंसराज अहीर। पीएम नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में गृह राज्य मंत्री रहे हंसराज अहीर भी एनडीए के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। हंसराज अहीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर लोकसभा सीट से 2014 में सांसद बने थे, लेकिन इसी सीट पर 2019 में वे हार गए हैं। हंसराज अहीर को कांग्रेस के सुरेश नारायण धनोरकर ने हराया है। अब चुनाव हारने के बाद हंसराज अहीर के मंत्रिमंडल में प्रवेश पर ग्रहण लग गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। रिपोर्ट इंडिया की खबर।